ममता ने बंगाल को कूटा, माँ बहनों की लाज को लूटा। भाग हिंदू का ऐसा फूटा, अपना गांव नगर तक छूटा। अपने ही अपनों को मारे, मौन है संविधान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। ममता न बदली, राहुल न बदला, है जनता परेशान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। देखिए इसको गा रहा हूं मैं। ममता न बदली, राहुल न बदला, है जनता परेशान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। केरल न बदला, बंग न बदला, न उद्धव न राजस्थान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। दिखा दिखा के टीवी में थोबड़ा, लुटा दिया दिल्ली का रोकड़ा। केजरीवाल बनिए का छोकड़ा, ललचा ललचा कर बना ढोकड़ा। करोड़ बांटे मुस्लिम को, हिंदू को खालिस्तान, ऐसे चलेगा हिंदुस्तान, ऐसे चलेगा हिंदुस्तान। ममता ने बंगाल को कूटा, माँ बहनों की लाज को लूटा। भाग हिंदू का ऐसा फूटा, अपना गांव नगर तक छूटा। अपने ही अपनों को मारे, मौन है संविधान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। राहुल वा कहलाए पप्पू, आलू सोना हाके गप्पू। है ये चीन पाक का चप्पू, बढ़े न आगे खा खा धक्कू। जगत सिठानी माँ इसकी न करे चवन्नी दान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। वैक्सीन पर भ्रम जो फैलाए, पर छुप छुप वैक्सीन लगवाए। खुद खुद की टोटी चुरवाए, मुलायम का पुत्र कहाए। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ आया लेकर टेढ़ी मुस्कान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। वैक्सीन को बर्बाद करे जो, डॉक्टर नहीं है भूखा भेड़ वो। ऑक्सीजन को ब्लैक करे जो, लाशें खाकर भरे पेट वो। ऐसे नेता व्यापारी टेले वैक्सीन पर ज्ञान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान, कैसे चलेगा हिंदुस्तान। ले मोदी योगी से पंगा, हर एक काम में डाल अड़ंगा। पर विकास की बहा के गंगा, दोनों कर रहे देश को चंगा। हर किसान निर्धन का मोदी करे नित्य कल्याण, इन्हीं से चलेगा हिंदुस्तान, इन्हीं से चलेगा हिंदुस्तान, इन्हीं से चलेगा हिंदुस्तान। तो देखिए ये लोग वैक्सीन बर्बाद करते हैं, तो ये ममता बनर्जी और ये जितने भी विपक्ष वाले हैं ये लोग उसका सपोर्ट करते हैं। जब कोई विकास का काम होता है तो ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करने लगते हैं। इनको जो है सत्ता चाहिए, इनको कि हम मुख्यमंत्री बने रहें।
और जो ममता बनर्जी है वो अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। उनका जो सचिव है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है, बताइए देश के प्रधानमंत्री जो, अच्छा इनको जो है ममता बनर्जी के जो चेले हैं उनके जो कुछ सपोर्टर हैं वो कहते हैं ममता बनर्जी 320 सीट से जीत के आई है, बहुमत से जीत के आई है, उनको जो है सो आप लोग जनमत का अपमान कर रहे हैं। वहाँ के कुछ उनके सपोर्टर बोलते हैं कि ममता बनर्जी का विरोध करना माने जनमत का अपमान करना है। तो मोदी जी क्या उनको किसी ने उठा के बिठा दिया है? मोदी जी क्या ऐसे ही बन गए? माने मोदी जी का अपमान देश की जनता का अपमान नहीं है? और ममता बनर्जी का के बारे में यदि जो कानून के विरोध में चल रही है, जो खुलेआम लोगों को मरवा रही है, जिसकी पार्टी के लोग मरवा रहे हैं, जो खुलेआम मुसलमानों को कहती है हमें वोट दो वो तो सही है, जो शरिया कानून का पक्ष लेती है वो सही है, और मोदी जो भारत के संविधान अंबेडकर के संविधान पे चल रहे हैं उससे इनको तकलीफ हो रही है। तो अभिषेक बनर्जी जो भतीजा है उनका जो कह रहा है, बताइए भतीजा, चाची और भतीजा का वहाँ पे खेल चल रहा है बंगाल में। तो इस प्रकार से जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। एक बात देश की जनता को, बंगाल की जनता को, यूपी की जनता को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई कितना ही बके टीवी पे आके कहीं भी कुछ बोले, लेकिन ये देश जो है संविधान से चलता है। यदि जज बोलेगा कि मोदी के ऊपर में कानून लगना चाहिए तो ही लगेगा, यदि जज बोलेगा कि ममता बनर्जी पे और उसके भतीजे पे कानून लगना चाहिए, धारा लगनी चाहिए, तो वो लगेगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद बाबा जी। जो अभिषेक बनर्जी ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर में वो धारा लगे कानून की, हाँ, तो ये बिल्कुल ही गलत मांग है, ये कुतर्क है, और इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल फंस चुके हैं। तो फंसता क्या ना करता, इसीलिए वो अब प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। अरे तुम्हारा ठिकाना नहीं है और मोदी को तो चले हो तुम तंग करने के लिए, ये नहीं हो सकता। ये इनके ऊपर में पहले से ही कई धारा लगी हुई है, इसका माने ये लोग दोषी हैं। समूचे बंगाल को बिगाड़ने में, वहाँ जो कानून का राज होना चाहिए, ये सब शरिया वाले जो अभी बात कर रहे थे यूपी, ये सब वही लोग हैं। ये लोग बेंदु अधिकारी जो है नंदीग्राम से ममता जी को हराया है, उन्हें बंगाल की चिंता है, वहाँ के लोगों का उनको दर्द है, वहाँ जो बंगाली लोगों की हत्या की जा रही है वो उसको जो है सो ठीक करना चाहते हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए वहाँ का, और जो मुख्यमंत्री है वो जो है सो कानून तोड़ने में लगा हुआ है। अल्पन बंदोपाध्याय जिस तरीके से ममता बनर्जी के कहने पर कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे थे, और उसको लेकर जब उन्हें दिल्ली में तलब किया गया था तो उसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं आए, और जिस तरीके से कानून का उल्लंघन उनकी तरफ से किया गया, तो अल्पन बंदोपाध्याय के ऊपर अब डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं का उल्लंघन करने के बाद उनके ऊपर नोटिस भी लग गया, नोटिस भी भेजा गया, तो इसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। और अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह और जितने भी लोगों ने चुनाव के दौरान रैली की है उन लोगों के ऊपर भी यही एक्शन लिया जाना चाहिए। बताइए अभिषेक बनर्जी बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके हैं, अब वो कोई संविधान और कानून तो है नहीं कि वो जो बोलेंगे वही कोर्ट को करना पड़ेगा, कानून को करना पड़ेगा। वो कानून है क्या, कोर्ट है क्या अभिषेक बनर्जी? दरअसल क्या है कि अभिषेक बनर्जी किसके सचिव है वो इंपॉर्टेंट है, वो ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी क्या है, अधिनायिका है, वो जो है अधिनायकवादी है, वो जो बोलती है वही कानून होता है उसको, ममता बनर्जी को। तो जब ममता बनर्जी बंगाल की जो मालकिन है वही अधिनायक तंत्र की विशेषज्ञ है, तो उनके जो नीचे वाले चेले हैं उनके वो तो महा अधिनायकी होंगे। तो ये जो अभिषेक बनर्जी ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर में वो धारा लगे कानून की, हाँ, तो ये बिल्कुल ही गलत मांग है, ये कुतर्क है, और इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल फंस चुके हैं। तो फंसता क्या ना करता, इसीलिए वो अब प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। अरे तुम्हारा ठिकाना नहीं है और मोदी को तो चले हो तुम तंग करने के लिए, ये नहीं हो सकता। ये इनके ऊपर में पहले से ही कई धारा लगी हुई है, इसका माने ये लोग दोषी हैं। समूचे बंगाल को बिगाड़ने में, वहाँ जो कानून का राज होना चाहिए, ये सब शरिया वाले जो अभी बात कर रहे थे यूपी, ये सब वही लोग हैं। ये लोग यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से उनके ऊपर जो खींच दिखाई दे रही है, जिस तरीके का बयान ये दे रहे हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री तक जो पहुँच रहे हैं, बात तो ये भी है कि जनता जिस तरीके की बातें कह रही है कि ममता बनर्जी ने भी तो काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ की थी। अगर नाम लेना तो सबसे पहले उनका लीजिए, क्योंकि 10 साल से ममता बनर्जी ने राज किया है, अगर वही सारी इन चीज़ों को होने दे रही हैं तो सबसे पहले तो धारा उनके ऊपर लगनी चाहिए।
बिल्कुल, वो बंगाल की सीएम है और जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जो सीएम होता है वो अगला सीएम बनने तक वही सीएम रहता है और कानून व्यवस्था और पुलिस सीएम के अंडर में ही रहती है। तो जब चुनाव चल रहा था तब सीएम ममता बनर्जी थी और चुनाव भी लड़ रही थी, तो फिर ममता बनर्जी ने सीएम रहते हुए वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की कि कोरोना में कोई रैली नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी भी जो है सो डिजिटली रैली करें, मैं भी करूँगी, सब कोई ऐसा करते हैं ताकि जनता को नुकसान न हो, कोरोना यहाँ ना फैले, ऐसा उसने क्यों नहीं नियम बनाया। और अब जो है खुद ही उसने, देखिए उसने क्या क्या किया, वो सीबीआई के दफ्तर में अपने पार्टी के लोगों को घुस गई, वो जो है कहीं भी जाती है तो गुंडे तत्व को ले जाती है और जो है सो पूरे वहाँ के कानून व्यवस्था को खुद ही, एक मुख्यमंत्री का काम है कानून व्यवस्था को संभालना, ये ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो खुद ही कानून तोड़ती है। तो कुल मिला के ममता बनर्जी ने जो है कानून को मानना नहीं है और जो अपना कानून चलाना है कि जो बोल दिया वही कानून है इनका। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें जो वेस्ट बंगाल में हो रही हैं इन सारी चीज़ों को लेकर आज मुलाकात भी की है शुभेंदु अधिकारी ने वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी से। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी जो है नंदीग्राम से ममता जी को हराया है, उन्हें बंगाल की चिंता है, वहाँ के लोगों का उनको दर्द है, वहाँ जो बंगाली लोगों की हत्या की जा रही है वो उसको जो है सो ठीक करना चाहते हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए वहाँ का, और जो मुख्यमंत्री है वो जो है सो कानून तोड़ने में लगा हुआ है। यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बंगाल की बेटी हैं और बंगाल की जनता की उन्हें काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, और जिस वक्त पे चुनाव हो रहे थे तो ममता बनर्जी ने ये भी वादा किया था कि वो सभी लोगों को वैक्सीन फ्री देंगी, पर आज ममता बनर्जी ये कहती हैं कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही है, हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि वो हमें फ्री वैक्सीनेशन दे, खुद फ्री देने की बात कर रही थी, अब केंद्र सरकार से फ्री मांग रही हैं। देखिए वैक्सीन की एक पॉलिसी बनाई हुई है इस कोरोना काल में कि 50% जो है राज्य सरकार खर्चा करेगी और 50% केंद्र सरकार करेगा, जब समूचे राज्य जो है हर राज्य इसी पॉलिसी के आधार पे वैक्सीन लगवा रहा है, लग रही है वैक्सीन, तो ममता बनर्जी को पूरी सारी वैक्सीन फ्री में क्यों, तो इससे पता चलता है कि वो बंगाल की जो जनता है उसकी इज्जत को जो है उनकी इज्जत के साथ खेल रही है ये। अरे बंगाल की जनता कोई इस तरह की है क्या जो तुमको सब चीज़ फ्री में चाहिए, केजरीवाल जो दिल्ली में उसको फ्री में चाहिए, इसको फ्री में चाहिए, तुम लोग फिर करो क्या, मोदी जी ने जो गुजरात का विकास किया क्या उन्होंने जो है भीख मांग के किया, उन्होंने क्या केंद्र सरकार वहाँ पे मनमोहन सिंह की थी मांगने गए थे क्या, उन्होंने खुद ही अपने पैर पे खड़े होके गुजरात को एक ऐसा स्टेट बना दिया कि आज पूरी दुनिया में गुजरात का नाम है। ये जितने भी लोग हैं इनको खाली रुपया चाहिए, अभी जो है केंद्र सरकार ने जो वहाँ पर उड़ीसा में और जो बंगाल में तूफान आया उसके लिए कितने रुपये दिए, वो रुपये का क्या करेंगे लोग, कुछ नहीं करेंगे, वहाँ की जनता को कुछ नहीं मिलेगा, इनको पता नहीं रुपया खाली जो है सो हिंदू मुसलमान करने के लिए चाहिए। एक और बात बाबा जी, जिस तरीके का बयान अभिषेक बनर्जी की अगर हम बात करें, और अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में जो रैलियां हुई हैं जितने लोगों ने भी रैलियां की उन सब के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है वो लगना चाहिए, जो कि अलोपन बांधोपाध्याय के ऊपर लगा है, तो एक सवाल ये भी है लोगों की तरफ से जो उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि सभी पार्टियों के ऊपर केस होना चाहिए, सभी लोगों पर केस होना चाहिए, तो क्या ये चुनाव हुआ है ये निरस्त माना जाए, फिर से चुनाव कराए जाएँ? अब बिल्कुल, वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और वहाँ की जनता जो है मांग कर रही है, जनता तो मांग कर रही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, ये लोग मांग कर रहे हैं कि मोदी के ऊपर कानून लगाओ। अरे तुम लोग क्या, तुम तो एक हो, जनता तो वहाँ की ज़्यादा, वो तो तंग हो गई है। तो मेरा कहना है कि जो बंगाल का चुनाव हुआ है ये बिल्कुल ही कानून के हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बोला कि तुम लोग हमको वोट दो, सारा चुनाव तो भ्रष्ट हो गया उसी में, तो वहाँ का जो चुनाव है उसको निरस्त करना चाहिए। और नया मैं तो कहता हूँ कि ये लोग कोई बदलना ही नहीं चाहते हैं, कोई नहीं बदलना चाह रहा है ये लोग, जितने भी विपक्षी लोग हैं, और देश को लूटने में और बर्बाद करने में, तंग करने में, जनता का दिमाग खराब करने में लगे हुए हैं। एक गीत है,